डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको क्लास नाइन्थ इंग्लिश की बुक बीहाइव की पोएम नंबर 4 द लेक आइल ऑफ इनिस्फ्री एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये पोएम पोइट डब्ल्यू वी यीट्स के मन की चाह है कि वो शांति और की तलाश में इनिस्फ्री जाए। ये वो एक प्लेस है जहाँ पर वो बचपन में काफ़ी समय गुजारा करता था। ओके, ही सेज दैट ही वांट्स टू गो टू इनिस्फ्री। He will build a small room for himself with clay and small sticks which are used to make the walls or the fences of the cabin. तो वो वहाँ पर कहता है कि लकड़ी वगैरह से वहाँ पर एक छोटी सी झोंपड़ी बनाएगा। खाने के लिए वहाँ पर वो 9 rows of beans उगाएगा अपने अपने उस झोंपड़ी के पास। और he will वहाँ पर वो शहद की मक्खियों का छत्ता भी लगाएगा जो, और वो हर समय बजिंग साउंड करती रहेंगी उसकी झोपड़ी में, जो उसके मन को बहुत अच्छी लगेंगी। और वहाँ पर वो पीस, वो कहता है शांति धीरे धीरे आती है, ग्रेजुअली आती है। सुबह के समय जब वो बादलों के पीछे से उसको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और मॉर्निंग जो है अपना जैसे पर्दे से दुल्हन उठती है, इस तरीके से धीरे धीरे सुबह होगी तो उसके दिल को बड़ा अच्छा लगेगा, ये उसको बहुत शांति प्रदान करेगा। फर्दर वो ये कहता है कि जब मेल क्रिकेट के जो इंसेक्ट है वो वहाँ पे गाना गाते हैं, उससे उनके मन को बड़ी शांति मिलेगी। और वो ये भी कहता है रात के समय जब वो चमकते हुए ट्विंकलिंग स्टार्स को देखेगा आकाश में चमकते हुए, उससे उसके मन को बड़ी शांति मिलेगी। और दोपहर के समय जब सनशाइन होगी या शाम के समय जब लिनेट के बर्ड्स आकाश में उड़ रहे होंगे तो उसको बहुत शांति मिलेगी। एट लास्ट द पोइट सेज That now he will stand up and go to Innisfree. अब वो जो है Innisfree जाने के लिए तैयार है, because all the time जो लेक वाटर की स्ट्राइकिंग की साउंड उसके मन में हमेशा गूंजती रहती है। Where he will either stand up or on the road पे, या तो सड़क पे खड़ा हो या रोड पे खड़ा हो, गली में खड़ा हो, हर समय उसको मन को वही आवाज़ जो है Innisfree के वाटर की आवाज़ उसके मन में गूंजती रहती है, तो वो Innisfree जाना चाहता है। ओके, थैंक यू।